हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज आपके लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कुछ कमेंटों के जवाब लेकर आए हैं। आप सभी निवेशक साथियों से हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको निवेशकों के इस वक्त क्या कमेंट आते हैं आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब करे कमेंटों को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया विष्णु कुमार अग्रवाल जी का। विष्णु कुमार अग्रवाल जी का कहना है कि मुकेश मोदी के परिवार वालों को सिरोही जाकर मारो, इनकी वजह से हमारा पैसा लटका है। दोस्तों कमेंट में कुछ ज़्यादा ही लिखा है, लेकिन मैं आपको इतना ही बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके का विष्णु कुमार जी का जो कमेंट है, ये कमेंट सही नहीं है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, विष्णु कुमार जी की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका कार्य जैसे भी था निवेशकों का पैसा सुरक्षित था और सही तरीके से इसमें काम चल रहे थे। ये अलग बात है कि इनके परिवारों के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटियों के संचालक थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज ये सोसाइटी जो बंद है, ये सोसाइटी बंद करने का मुख्य वजह यह है कि भारतवर्ष की इस वक्त जो नीतियाँ चल रही हैं या राजनीति के हिसाब से जो कार्य चल रहे हैं, वो ये है कि सभी चिटफंड कंपनियां, सोसाइटियां, अदर जितने भी प्लाट, जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट के कारोबार जो चल रहे थे इसमें, जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट कारोबारों को, चिटफंड कारोबारों को, सोसाइटियों के कारोबारों को, इन कारोबार ने 35% से ज्यादा आबादी, यहाँ दोस्तों 40% आबादी भारतवर्ष की इन बैंकों से जुड़ी थी। और सरकारी बैंकों से या सरकारी जो सेवाएं आती थी या इमदाद कह सकते हैं, उनसे इनका संपर्क नहीं था। जो कुछ भी लेना देना था, चाहे वो लोन लेना हो या अपना पैसा इन्वेस्ट कराना हो या जमा कराना हो, जो भी था सब इन सोसाइटियों और चिटफंड, जी हाँ दोस्तों, चिटफंड कोई गाली नहीं, सोसाइटी कोई गाली नहीं, ये सब दोस्तों ऐसे गरीब निवेशकों की मदद के लिए खोली हुई थी जो कि रजिस्टर्ड और एक कानून के दायरे के अंदर इनके कार्य चल रहे थे। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 40-40 साल पुरानी रजिस्टर्ड कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनका बराबर टैक्स और यहाँ तक कि उनके एजेंटों का टैक्स सब भारत सरकार को जाता था। पूरे साल में क्लोज होकर जो भी बनता था वो भारत सरकार को जमा किया जाता था। दोस्तों भारत सरकार की जिम्मेदारी उनकी निगरानी रखनी थी। तो 40 और 20 साल पुरानी इन कंपनियों में अचानक ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि सभी 3 लाख से भी ज्यादा कंपनियों के ऊपर गाज गिराई गई दोस्तों। तो इसमें कहीं से कहीं तक मुकेश मोदी की या उनके परिवार की या अदर जो चिटफंड कंपनियां, जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी या सोसाइटियां थी, उनके मालिकों को जेलों में डाल दिया गया। और जेलों में डालकर दोस्तों उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया, उनके खातों को सीज कर लिया गया। ये दोस्तों प्रजातंत्र में राजतंत्र की लूट का एक जामा पहनाया गया, जिसमें सरकारी विभागों को आगे किया गया, उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये सब एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों हमारा विष्णु कुमार जी से कहना है कि अगर आपने थोड़ी सी भी हमारी बात को समझा हो, तो ये समझो कि किसी मोदी परिवार या किसी भी ऐसे परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा सोच बनानी चाहिए। जो कुछ कहना है सरकार को कहना है। अगला कमेंट हमारे पास आया राम बख्श गहलोत जी का। राम बख्श गहलोत जी का कहना है कि भारत की न्याय व्यवस्था
खराब होने के कारण ये सब हो रहा है। या दोस्तों ये कमेंट हमारे पास जो है रैम बक्स जी का हमारी उस वीडियो पर आया, जिसमें हमने वीडियो में ये बताया था कि एक एडवाइज़र ने अपने परिवार सहित या दोस्तों सोसाइटी सुसाइड किया, यानी कि आत्महत्या करने वाला, एक दिल को झंझोड़ देने वाला ऐसा काम को अंजाम दिया। वो क्यों दिया दोस्तों? इसलिए क्योंकि निवेशक उनके ऊपर दबाव बना रहे थे दोस्तों। पैसा ना एडवाइज़र की जेब में गया है, ना एजेंट की जेब में गया, पैसा सीधा सीधा सरकार की जेब में है, मालिकों के पास भी नहीं है। हम आपसे ये कह रहे थे कि आदर्श का एडवाइजर ने आत्महत्या की और अपने परिवार सहित जहर खाया, जिसकी हमने आपको न्यूज़ दिखाई और उसके आधार पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त भारत सरकार की कानून व्यवस्था है, इसके खराब होने के कारण ये हालात हैं। तो दोस्तों यही हम इनसे अभी ऊपर के कमेंट में यही बात कह रहे थे और यही बात इन्होंने हमें राम बख्श गहलोत जी ने बताई। तो दोस्तों कुछ जानकारी का अभाव हो सकता है विष्णु कुमार जी को, लेकिन राम बख्श जी गहलोत जी का कमेंट बिल्कुल राइट है, सही है। अगला कमेंट हमारे पास जितेंद्र सोलंकी का है। जितेंद्र सोलंकी जी का कहना है कि आदर्श के एडवाइजर ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की, यह भी तो खबर दो, लोगों को मालूम चले कि लोग कितने मुश्किल में है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हमारी वीडियो डालने से पहले यह कमेंट किया था और इनके कमेंट के आधार पर हमने पूरी जानकारी ली और उस जानकारी को लेकर हमने वीडियो के माध्यम से सभी निवेशकों तक उसे पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों जिन निवेशकों ने अगर वो न्यूज़ अभी तक नहीं पढ़ी हो या ना देखी हो, तो दोस्तों हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर डाली थी। तो दोस्तों इनका कहना बिल्कुल सही है कि इस वक्त भारतवर्ष में निवेशक के एजेंट के एडवाइजर सभी परेशान हैं, यहाँ तक कि कंपनियों के मालिक तक परेशान हैं। अगला कमेंट हमारे पास है जानू जी का। जानू जी का कहना है थोड़ा और बेवकूफ बना, बाकी थोड़ा और बेवकूफ बना बाकी रह गया है, मतलब बनना बाकी रह गया है, थोड़ा सा बेवकूफ और बनना बाकी रह गया है, वह कसर आप पूरी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है जैसा जानू जी ने सोच लिया, और हम भाई किसी का बेवकूफ नहीं बनाते। हालात अगर आपको मालूम हो तो आप ऐसा नहीं कहते, हम हालात आपके बता देते हैं कि इस वक्त बड़े चैनलों पर, मीडिया पर आप लोगों को बिल्कुल स्क्रीन से गायब कर दिया गया है। 15 करोड़ निवेशकों को, एजेंटों को जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनकी कोई सूचना नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि दोस्तों ये गोद मीडिया है और गोद मीडिया में जो इस वक्त राजनीति में षड्यंत्र चल रहे हैं, इन 15 करोड़ निवेशकों का, अरबों खरबों रुपया जो इस वक्त भारत सरकार की जेब में है, उस पैसे निकालने की बड़ी कोशिश सिर्फ हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर चैनल ही आप लोगों को मार्ग दिशा भी दिखाते हैं और आप लोगों को आपकी खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं, जो भी हमें मिलती है किसी साइट से मिलती है, किसी न्यूज़ चैनल से। न्यूज़ चैनलों पर तो दोस्तों आपकी कभी 10-20 महीने बाद कोई आ गई किसी, या ना उस कंपनी ने ये पैसा लेकर भाग गई, सीधा सीधा पैसा लेकर भाग गई बताते हैं, जबकि हकीकत जो है वो हम जानते हैं कि कोई कंपनी पैसा लेकर नहीं भागती। कंपनियां वो पैसा लेकर भागती है जो राजनीति के संरक्षण में एक दिन, 1 साल या 2 साल में डबल करने का झांसा देकर गली कूचों में खोली जाती हैं। ऐसी फेक सोसाइटियों और ऐसे चिटफंड कारोबारियों के साथ दोस्तों इन बड़ी कंपनियों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी सोसाइटियां, इनको भी जी हाँ दोस्तों 12 के भाव बेच दिया। हमारा यहाँ कहावत है दोस्तों, उनके साथ चने के साथ गुण भी पिस गए। तो दोस्तों ये कंपनियों, असल बात ये थी कि इन कंपनियों को
खोला गया जानबूझकर गली कूचों में, जो फेक सोसाइटियां खोली गई, राजनीति के संरक्षण में खोली गई और माफियाओं के संरक्षण में खोली गई, इन सब के मिलीभगत होने के साथ साथ दोस्तों 2 साल के अंदर अंदर डबल करने का झांसा देकर ना जाने कितनी गली कूचों से फेक सोसाइटियां, डेली वियर, या जी हाँ दोस्तों, रोजाना की एक सोसाइटी दो सोसाइटी भागती है और पता चलता है कि उन निवेशकों के पैसे लेकर इतने करोड़ भाग गई जिनका कहीं से कहीं तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। केवल जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक फेस के ऊपर लोग पैसा देते हैं कि ये फलाने नेता जी है, इनका हाथ है, ये DSP जी है और उन्होंने उद्घाटन किया, वहां मेले लगे, वहां पर उनके प्रचार हुए। दोस्तों ये ऐसे षड्यंत्र उनके आधार पर न जाने कितने निवेशक, यहाँ तक कि दोस्तों सरकारी महकमे के जो कार्यरत और रिटायर सभी को झोंक दिया गया है इसमें, और यहाँ तक कि एक बाइक बोट कंपनी है उसमें तो ये समझिए कि हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उन सैनिक की पूरी जाने कितनी बटालियनों का पैसा, लाखों सैनिकों का पैसा बाइक बोर्ड में लगा दिया गया है। और आज प्रक्रिया के नाम पर जो चल रहा है वो आप उनकी न्यूज में देख सकते हैं, कहीं से कहीं तक मीडिया में उनकी कोई पूछ नहीं है, चाहे वो सहारा के हों, PSEL के हों, कल्पत्रु के हों, साई प्रसाद के हों, KBCL के हो। दोस्तों 3 लाख कंपनियां मेरे पास लिखी हुई हैं, अगर मैं उनका नाम लेने अगर शुरू कर दूं तो दोस्तों 2.5 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम खत्म नहीं होगा कि इतनी कंपनियों के ऊपर भारत सरकार में इस वक्त गाज गिरी पड़ी है। और वो कंपनियों के 15 करोड़ निवेशक, जो दोस्तों एक हिंदुस्तान की आबादी के कितना प्रतिशत होता है आप अंदाजा लगा लीजिए, कि इतने लोगों का पैसा, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई इस वक्त लूट की कगार पर है, और उसको वापस लाने के लिए हम आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं या आप लोगों के साथ दे रहे हैं, ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर है। इनके कमेंट के माध्यम से, इनके सॉरी दोस्तों, इनके कमेंट के कहने से हम लोग इनका बेवकूफ बना रहे थे। दोस्तों ये एक बड़ी दुख भरी बात है इनकी, जो हम इसको आपके सामने लेकर आए, और ये फैसला आपके सामने है कि गोद मीडिया को आप जानते हैं कि अपनी आर्ट पीटी पूरी करने के लिए किस तरीके से सरकारी इमदाद इन पर जाती है, करोड़ों रुपया इनका, जी हाँ दोस्तों, चैनलों के ऊपर जो इस वक्त लगा हुआ है गोद मीडिया के, कोई चैनल वाला अगर आपके चिट फंड की या किसी कंपनी, अदर्श हो, कोई भी हो, अगर देता हो तो मुझे दिखा दो। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, लेकिन दोस्तों आज जो ये हमने कमेंटों के माध्यम से आपको ये न्यूज़ दी है, ये इसलिए दी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके कि निवेशकों के अंदर इस वक्त क्या उनकी सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आपकी भी कोई अपनी कोई परेशानी है, कोई सुझाव है, कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट पर निसंकोच कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारे कम्युनिटी टैब पर जाकर दे सकते हैं, या हमारे जो स्पेशल एक हमें ये बटन मिला है हमारे सब्सक्राइब के सामने, आपको एक ज्वाइनिंग बटन दिखेगा। दोस्तों ये हर एक चैनल को नहीं दिया जाता, ये किसी टॉप मोस्ट खास चैनलों को दिया जाता है। तो ये चैनल आपका एक अच्छा चैनल, आपको अच्छी जानकारी देने के लिए खोला गया, ना कि बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो दोस्तों जानकारियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सुनिए, नहीं तो दोस्तों चैनल तो बहुत है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारे चैनल पर ही आकर वीडियो देखें। आपका विश्वास अगर बनता है, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, जितनी भी फॉर्मेलिटी आपके प्रति है वो सब पूरी कीजिए। तो दोस्तों आपसे हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम खा लिया, तो आपसे हम चाहते हैं कि आप विदा लें, और ताकि कुछ अच्छी जानकारी हम कल आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।